हेलो गाइस, आज आपको दूध से पनीर बनाना घर में बता रहे हैं। पिछले दिनों पनीर मसाला बनाना सिखाया गया था, जिसमें घर से का बना हुआ पनीर का यूज किया गया था। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं कि घर में पनीर कैसे बनाया जाता है, तो आज घर में पनीर बनाने के लिए बता रहे हैं। ये 3 केजी दूध है और ये तीन बड़े नींबू का रस है। नींबू का रस को निकाल लिए हैं, 3 बड़े नींबू, बड़े साइज के नींबू का। और इसमें नींबू का रस डालते समय देखना ये है कि जब दूध खौलता रहे उसी समय डालना है। ऐसे में डालेंगे नींबू का रस तो वो नहीं फटेगा, और आप कितना भी रस डालते रहेंगे वो फटेगा नहीं और पनीर बनेगा नहीं। जब ये पूरी तरह खोलने लगे दूध, इस तरह का उबाल देखिए, अब इस तरह का उबाल आ रहा है। इस तरह का उबाल में ये जो नींबू का रस है, 3 नींबू का रस है, इतना 3 किलो दूध के लिए इतना ये है, इसको एक ही बार में ऐसे डाल देना है। और इसको देखिए, ये 1 मिनट में सारा दूध फट गया। देखिए देखिए, खट खट आवाज किया और ये दूध फट गया, दूध पूरी तरह फट गया। उसका पहचान है कि ये पानी का रंग बदल जाता है। देखिए, ये पानी का रंग बदल गया। हाँ, अब देखना ये है कि आपको पनीर कैसा चाहिए। अगर कड़ा पनीर चाहिए तो 2 मिनट उबलने दें, मुलायम पनीर चाहिए तो तुरंत इसको छान दीजिए। अगर पनीर पकौड़ा बनाना है तो उसमें थोड़ा कड़ा पनीर का यूज होता है तो उबलने देंगे। और पनीर का सब्जी बनाना है, पनीर मसाला बनाना है, शाही पनीर बनाना, तो तैयार हो गया। अब इसको छान देंगे, इसको इसका पानी को निकाल देंगे बड़े से छलने में लेकर। अभी देखिए, इसमें छलने में इसको निकाल दिए, इस तरीके से निकाल दिए और इसको ऐसे हिला देंगे, इसको हिला देंगे ऐसे थोड़ा देर, 2 मिनट, 1 मिनट हिलाएंगे इसको, ऐसे हिलाते रहेंगे। और इसमें पानी डाल दिए। अब ये तुरंत 1 मिनट हिलाने के बाद इसको ऐसे ही इसमें डाल देंगे, और इसमें डालकर 5 मिनट तक इसको छोड़ देंगे और इसको धीरे से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सारा पनीर पानी के अंदर आ गया। हाँ देखिए, अब ये 10 मिनट पानी में रहने दिए, इसको गर्मा गर्म पानी में डाल देना है, तभी स्पंजी होगा। और अब इसको 10 मिनट बाद इसको ऐसे निकाल दिए। ये देखिए, गर्म गर्म फर्स्ट क्लास का पनीर हो गया। अब इसको आराम से काट कर सब्जी बनाइए, ये जैसे बनाना है। ये सेप हम छलनी में छाने हैं, इसलिए ये सेप ऐसा आया है। अगर आप तो इसको कपड़े में छानिएगा तो ये सेप होटल में मिलता है उस तरह का बनेगा। हम ये आपको साधारण तरीके से छान कर बताएं, लेकिन इसको भी कट करके बनाइएगा तो ये टूटेगा नहीं। ये इसी तरह, जिस तरह का सेप में आप बनाइएगा उसी तरह का सेप में बनेगा। ये देखिए, 3 केजी में कितना सारा पनीर बन गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी पनीर कैसी बनी।